फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंस कोच। आज हम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे, जिसका विंडो 17 से 19 मार्च के बीच में ओपन हो रहा है। आप इसके बीच में अपना बिडिंग लगा सकते हैं। इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अपना डीमैट अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं किसी भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा या अपस्टॉक के थ्रू। आप जानते हैं ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेक्टर अभी 3 से 4 सालों में कितना ग्रोथ किया है और ये बहुत अच्छा रिटर्न एंड प्रॉफिट प्रोवाइड किया है। पर कोरोना के चलते, कोविड-19 की वजह से ये पूरा बैंकिंग सेक्टर पूरा स्ट्रेस पड़ा हुआ है। इस सबसे अधिक प्रॉब्लम तो कहते हैं आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक की आ रही है, क्योंकि इन्होंने कहते बहुत से वीकर सेक्शन को ये लोन प्रोवाइड करते हैं, फिर वो लोन की रिकवरी के लिए इनको दिक्कत हो रही है। तो क्या देखना पड़ेगा, इस कंपनी का क्या वैल्यूएशन क्या है, क्या फाइनेंशियल ग्रोथ है, क्या रेवेन्यू मेंटेन करके चल रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या वीकनेस है, क्या थ्रेट्स है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए जानते हैं इस कंपनी एंड इसके बिजनेस के बारे में। ये बेसिकली वन ऑफ द लीडिंग स्मॉल फाइनेंस कंपनी इन इंडिया है। अब इस कंपनी का कहते बेसिकली इन्होंने स्टार्ट किया था NBFC से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के हिसाब से। फिर इन्होंने प्रोवाइड किया आपको माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। अब बेसिकली ये आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कोलेक्टर फील लोन टू द वर्किंग वुमेन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और इन्होंने SFB मतलब कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस 2017 में पाया था। अब इनके कहते प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली ये आपको माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि मतलब पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं फाइनेंस का। अभी आपको लोन भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपको कमर्शियल व्हीकल लोन चाहिए या अफोर्डेबल हाउसिंग लोन चाहिए, ये टोटल आपको प्रोवाइड करते हैं। अब जानते हैं इनका कहते हैं डिपॉजिटरी फैसिलिटी के बारे में। जिसी तरह आप बैंक में अपना कहते हैं पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, तो यहाँ पे भी अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा। और ये अपना डिजिटल सर्विसेज में भी मूव कर गए हैं, जैसे आपको अपना डेबिट कार्ड, आधार ऑनलाइन पेमेंट करना है, आपको कहते हैं मोबाइल बैंकिंग चाहिए, तो ये टोटल अवेलेबल करवाते हैं। अब तो ये कहते हैं आपको इंश्योरेंस और प्रीमियम भी थर्ड पार्टी के थ्रू अवेलेबल करवा रहे हैं। अब इनके ऑपरेशन के बारे में जान लें, ये बेसिकली आपको 13 स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज में भी ऑपरेट कर रहे हैं। इनके पास 1.4 मिलियन कस्टमर बेस है और इन्होंने 554 बैंकिंग आउटलेट बना के रखा हुआ है और 661 आपके टोटल कस्टमर सर्विस पॉइंट बना के रखे हुए हैं। इस तरीके से मेंटेन करके चल रहे हैं। मोटर एंड शेयर होल्डर के बारे में जान लेते हैं। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 10 नवंबर 2008 में एट चेन्नई तमिलनाडु। इनको फाउंड किया था भास्कर रामाचंद्रन ने। अब जान लेते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डर के बारे में, प्री इशू एंड पोस्ट इशू में इनका शेयर कितना बचेगा, पब्लिक के पास कितना चला जाएगा। अभी इनके पास शेयर है 13.35% प्रोमोटर के पास, पब्लिक के पास है आपका 69.65%। आफ्टर आईपीओ मतलब पोस्ट आईपीओ इनके पास शेयर हो जाएगा 28.02% और पब्लिक के पास हो जाएगा 71.98%। अब कंपनी का फाइनेंशियल के बारे में जान लेते हैं। ये कंपनी कितना रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, क्या डेप्ट है इनके पे, क्या कहते हैं इक्विटी शेयर है और कितना प्रॉफिट मार्जिन लेकर चल रही है, ये सारी चीजें हम फाइनेंशियल में देखेंगे। अब इनके फाइनेंशियल के बारे देख लेते हैं। जैसे इनका रेवेन्यू ग्रोथ आप देख लेते हैं, 2018 में 324 करोड़ था, वो आपका 83% इंक्रीज हुआ, 597 करोड़ हुआ। अभी लास्ट 9 महीने की देख लेते हैं तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ 689 करोड़ रुपए हुआ, मतलब 10.04% बढ़ा है। पर पिछले मुकाबले क्यों कम बढ़ा है, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से दिक्कत हुई थी। अब उस हिसाब से इनका प्रॉफिट मार्जिन देख लें तो कहते हैं 2018 में 11 करोड़ था, फिर उन्होंने 686% बढ़ा जो 90 करोड़ हो गया एक साथ, और फिर 111 करोड़ हो गया, फिर अभी लास्ट 9 मंथ में देखें तो 54 करोड़ रुपए हुआ। तो उस हिसाब से ये प्रॉफिट बहुत अच्छा मेंटेन करके चल रहे हैं, बहुत अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ कर रहे हैं। अब इस हिसाब से इनका प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 3.54% था, अभी 15% से बढ़ा, फिर 13% से बढ़ा, मतलब प्रॉफिट मार्जिन का 13 से 15% के बीच में इनका मेंटेन है। और रिटर्न ऑन नेटवर्क देखें तो इनका 2.13 था, फिर 10.27 था, फिर उसके बाद ये 10 के रिटर्न ऑन नेटवर्क मेंटेन करके चल रहे हैं। अब इस हिसाब से इनका कहते ग्रोथ बहुत अच्छा है अगर इनके बारे में देखें तो। अब इनका इक्विटी शेयर देख लेते हैं, नेटवर्क वह चल रहा है 1190 करोड़ रुपए। अब इस कंपनी का कहते एक चीज जान लेते हैं, 10% आपका रिटर्न ऑन नेटवर्क मेंटेन करके चल रही है और इनका मेन चीज नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहना चाहिए 13 से 15% का। अब इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में जान लेते हैं, ये आपसे कितने पैसे मांग रही है। अब मैं देखूं तो इनका प्राइस टू बुक वैल्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 में हुआ था 2.28, फिर फाइनेंशियल ईयर 2020 में वो हो गया 2.48, मीन्स उस हिसाब से इंडस्ट्री पीबी की देखें तो 3.93, मतलब इस हिसाब से इनका रीजनेबल मांग रहे हैं। अब मैं प्राइस टू अर्निंग वैल्यू देखूं इनका तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनका 37.81 था, फिर फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनका कितना था 22.93, उस हिसाब से इनका इंडस्ट्री पीई देखें तो 26.53 है, मतलब कि रीजनेबल है, यहाँ पे आप ले सकते हैं। और अपने 2021 में 37 क्यों हुआ, क्योंकि ये जो अर्निंग और अपार्ट है इन्होंने अधिक बढ़ा लिया है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसके हिसाब से कम हो गए हैं। अब इनका इंडस्ट्री एनालिसिस कर लेते हैं।
अगर इन्होंने AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ अगर मैं देखो लास्ट 5 ईयर पिछले 5 ईयर से और आफ्टर 5 ईयर तो 29% CAGR से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न से ग्रोथ कर रहे हैं। अब आप 2024 तक ये 20-24% से ग्रोथ करेंगे। अब इस कंपनी का टोटल कितने जितना हमने देखा कि इंडस्ट्री एनालिसिस के बाद हम इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू ग्रोथ में भी इंटर कर लिया। अब इस रेवेन्यू ग्रोथ के बाद हम इनका टोटल कंपटीटर एनालिसिस करेंगे। कंपटीटर एनालिसिस के लिए हम पहले इनका देख लेते हैं SFB डिपॉजिट मतलब स्मार्ट फाइनेंस बैंक डिपॉजिट इन लोग कितना मेंटेन कर चल रहा है। जैसे आपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। लगभग इतना 2021-2025 तक इन्होंने मेंटेन करके रखा है 40-45% CAGR ग्रोथ होगा। अब इस हिसाब से इनका कितना टोटल मार्केट शेयर देख लेते हैं। जिस हिसाब से है AU स्मॉल फाइनेंस का कितना मार्केट शेयर 33% है, उज्जवल का 15%, इक्विटी शेयर का आपका 15% है और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का 4% है। पर वो स्मॉल मार्जिन में भी वो अच्छा मेंटेन कर चल रहे, अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। अब इनका कंपटीटर एनालिसिस कर लेते हैं, इनके कौन कौन से प्लेयर के हिसाब से मैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इनका कंपटीशन कर ले रहा हूं। तो इनका बुक AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट फाइनेंशियल 2020 में वो था 30,890 करोड़ रुपए AU का। अगर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस का बैंक का देखें तो 3,710 करोड़ रुपए है। अगर ऑन बुक प्रॉफिट में ग्रोथ में देखूं 2017-18 तक तो AU का कितना आपका 42% है और सूर्योदय का 64% है। अब इनका डिपॉजिटरी देखें तो AU का है 26,160 करोड़, अब इस साथ सूर्योदय का देखें तो 2,850 करोड़ है और डिपॉजिटरी ग्रोथ इनका 35% आ रहा है। AU का कितने सूर्योदय का 75% आ रहा है। अब इस साथ डिपॉजिटरी पर टोटल लोन बुक देखें तो AU का आ रहा है 96.90 और उस हिसाब से सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का आ रहा है 80.70 और डिपॉजिटर अपना टोटल बोरिंग देखें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो 69% है और रिटेल डिपॉजिट अपना टोटल डिपॉजिट ये है 54.44%। अब CASA डिपॉजिट मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का टोटल डिपॉजिट मतलब इसका रेशियो कितना होगा आपका 11.45%। अपने इंडस्ट्री के हिसाब से ये कम है पर इनका आज मैनेज करके चल रहे हैं। अब इस कंपनी के बारे में कितने और चीज़ जान लेते हैं। अब इस कंपनी का कितने हैं MFI देख लेते हैं, मॉनेटरी फाइनेंस फंड्स, वो सूर्योदय का भी चल रहा है 76% और व्हीकल्स लोन ये प्रोवाइड कर रहे हैं 10% और मॉर्टगेज लोन अगर लेंगे तो 5% है। अगर MSME में भी इन्वेस्ट करके रखा है 5% का। अब मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो रिस्क फैक्टर है मेन जो वो देखते हैं, वो रिस्क फैक्टर कितना रिस्क ऑफ डिफॉल्ट वो मेंटेन करके चल रहे हैं। अगर क्या कंपटीटर एनालिसिस कर लेते हैं, एल्ड ऑन एडवांस ये टोटल करते 22.50 का, NIM ये मेंटेन करके 10.51, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये मेंटेन कर 10.70 का। मान लीजिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे आता है, मान लीजिए कोई डिपॉजिट कोई सेविंग अकाउंट खोल रहा है तो आपको कितना उसे इंटरेस्ट पर 10% और कोई आपसे लोन ले रहा है तो 20% का जो बीच में बच रहा है वो 10% वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका आ रहा है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ये रखें 8.10 का और ओपेक्स अपन बैंकिंग ग्रोथ रख रहे हैं तो 0.07 मतलब अपने इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत कम रख रहे हैं। बेसिकली इनका PCR पिरामिड कवरेज रेशियो देखें तो 84.71% है। इनका GNP आपका ग्रोथ नेट प्रॉफिट एसेट देखें तो 2.80% है और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 11.40% है। तो इस हिसाब से ये कंपटीशन एनालिसिस बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने मार्केट में बहुत अच्छा लीडर। शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इनका स्ट्रेंथ क्या है, बेसिकली ये हाई ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत प्लानिंग से बढ़ रहे हैं, 554 बैंकिंग आउटलेट 13 स्टेट में जिस तरीके से। अब बेसिकली इनका कितना डिपॉजिट टू बोरिंग रेशियो बहुत अधिक बढ़ा हुआ है 69%। ये कॉस्ट एफिशिएंसी को मेंटेन करके चल रहे हैं, लो कॉस्ट टू इनकम रेशियो। अब बेसिकली लो कॉस्ट टू ऑपरेशन पर आउटलेट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इनका वीकनेस जान लेते हैं, ये LJV में काम कर रहे हैं मतलब जॉइंट लेवरेज ग्रुप में। मीन्स यार टोटल रेवेन्यू जो इनका कितना स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक ग्रुप से आ रही है 76%, वो क्या करते हैं किसी एक गारंटर का साइन भी लेते हैं जब किसी को लोन प्रोवाइड करते हैं। और बेसिकली इनका टोटल अनसिक्योर लोन रहता है वो एडवांस में प्रोवाइड करते हैं और ये बेसिकली आपका महाराष्ट्र उड़ीसा तमिलनाडु में अवेलेबल है। तो इसके वजह से इनका कितना जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम आएगी तो इनको टोटल रेवेन्यू में लॉस झेलना पड़ेगा। अब इनका अपॉर्चुनिटी के बारे में जान लेते हैं, ये हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है। जैसे उन्होंने 24% AUM में इन्वेस्ट करके टोटल प्रोवाइड किया है और 40% CAGR आपका डिपॉजिटरी में इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब बेसिकली ये अपना ज्योग्राफिकल प्रेजेंस और बढ़ा सकते हैं इंडिया भर में, उस हिसाब से इनको टोटल काम करना पड़ेगा। अब इस कंपनी का टोटल कितना थ्रेट जान लेते हैं, ये बेसिकली स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है टोटल मार्केट से। अब बेसिकली आप COVID-19 को जानते हैं, इस मार्केट को टोटल डाउन जाना पड़ा है। अब इस कंपनी के कितने हैं IPO डिटेल के बारे में जान लेते हैं, ये इसका प्राइस आपको 303 से लेकर 305 के बीच में इसका बीडिंग लगाना पड़ेगा। इसका जो इशू प्राइस है वो आपको है आपको 582 करोड़ रुपए।
इसमें आपका थोड़ा फ्रेश इशू रखा गया है आपका 245 करोड़ रुपए और ऑफर फॉर सेल जिसे रखा गया 333 करोड़ रुपए, मीन्स ये इन्वेस्टर 333 करोड़ रुपए लेकर निकल जाएंगे और तो आपका 245 करोड़ रुपए आपका कंपनी को आगे बढ़ने के लिए यूज किया जाएगा। अब इसका पोस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 3285 करोड़ रुपए का आपका आईपीओ। अब इस कंपनी के एक लॉट आपको बाई, एक लॉट आपका कितना उसमें टोटल 49 शेयर रहेंगे। एक लॉट बाई करने के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए 14,845 रुपए। अगर आप 13 लॉट बाई करना चाहते हैं ऐसे रिटेल इन्वेस्टर तो आपको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा 194,285 रुपए का। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों ला रहे हैं अपना आईपीओ, ये बेसिकली अपना बैंक का टायर वन कैपिटल वर्किंग कैपिटल बढ़ाना चाह रहे हैं। अब आईपीओ का टाइमलाइन जान लेते हैं। इसका विंडो आपका कितना 17 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में ओपन रहेगा। इसके बीच में अपना बीडिंग लगा सकते हैं। इसका अलॉटमेंट आपको कितने हो जाएगा 24 मार्च को। अगर आपको अलॉट नहीं हुआ तो आपका रिफंड भी कितने 24 मार्च को हो जाएगा। 25 मार्च को आपको शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और बेसिकली 30 मार्च को ये कितने आईपीओ लिस्टेड हो जाएगा आपका स्टॉक मार्केट में। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले इसके टोटल फाइनेंशियल के बारे में देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।